अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बाबू। आज तिलावत कहाँ से शुरू होनी है? रुकू के दरमियान से? अठारहवीं आयत। अच्छा, ये क्या मतलब? तिलावत आयत 20 तक हो चुकी है, मैं समझ गया हूँ। और आज चूंकि वक्फा पड़ चुका है, इसलिए दोबारा आयत 17 पढ़ी जाएगी। अच्छा, 18 पढ़ी जाएगी। ये कुछ तहरीर कन्फ्यूजिंग थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ दोबारा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير
अलम तरा अन्नल्लाह युलिजुल लैल फिन्नहारे व युलिजुन नहार फिल्लैले व सखर अश-शम्स वल कमरा कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा व अन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير اے میرے بیٹے یا हज़रत लुक़मान नसीहत कर रहे हैं अपने बच्चे को और इसी तसलसल में आज इस आयत का आगाज़ हुआ है। या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, अक़िमिस सलाता, नमाज को क़ायम कर, वामुर बिल मारूफ है और अच्छी बातों को हुक्म दे, वन्हा अनिल मुनकर और बुरी बातों से रोक या मना कर, वस्बिर अला मा असाबक और जो मुसीबत तुझे पहुँचे उस पर सब्र कर, इन ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर, यकीनन ये बहुत अहम बातों में से है। ये नसीहत जैसा फरमाई गई है, अगर कोई इंसान इस पूरी नसीहत पर अमल करने वाला हो तो वो बहुत अजीम मरातब तक पहुंच सकता है सिर्फ इन्हीं बातों पर अमल करके। लेकिन वस्बिर का लफ्ज़ इशारा कर रहा है कि मा अस्वाबक, कि जो तकलीफ़ें इस राह में पहुंचती हैं उन पर भी सब्र करे और उन तकलीफ़ों पर भी सब्र करे जो इंसान को पहुंचती ही रहती हैं। तो वस्बिर अला मा अस्वाबका में सिर्फ आम मसाइब का जिक्र नहीं है जो दुनिया में पढ़ते ही रहते हैं, बल्कि ये भी इशारा है कि इस राह में जो मसाइब दरपेश हों उन पर सब्र कर, और ये अज़्मुल उमूर है। चुनांचे वो आयात जिनमें तबलीग की नसीहत है उसमें आखिर पर यही इशारा है। क्या है? हज़्ज़ नज़ीम। ये जो हज़्ज़ नज़ीम है ये दरअसल अज़्मुल उमूर है। चुनांचे इस आयत को पढ़ते हुए सब्र के तमाम माने जहन नशीन होने चाहिए कि ये राह सब्र की राह है। इस राह के नतीजे में लोग बुरी बातें करेंगे, इस राह को इख्तियार करने के नतीजे में मुसीबतें तोड़ी जाएंगी, और जो शख्स भी इन पर सब्र करेगा ये अज़्मुल उमूर में से है और उतना ही उसका दर्जा भी बुलंदतर होता चला जाएगा। वला तुसायर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा, और नखवत के साथ लोगों से एराज न कर। ये आपने, आपके लिखने वाले ने एताज लिखा हुआ है और किसी पढ़ने वाले ने इसका नोटिस नहीं लिया कि कुरान है, कोई होम्योपैथी की किताब नहीं है, इसमें जो मर्जी कर लो। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। नखवत के साथ लोगों से एताज ना कर, एराज ना कर। वला तुसायर खद्दक लिन्नास में नखवत के साथ लोगों के साथ एराज ना कर का मज़मून कैसे आ गया? ये तर्जमा बज़ात खुद दोहराई का मुस्तहिक है, मगर माना, यानी तफसीली माना वो पाया जाता है इसमें, लेकिन जब हम तर्जमा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तफसीली माने की बजाय लफ्ज़ों के करीब तर रहना चाहिए। वला तुसायर खद्दक लिन्नास, अपने गाल लोगों के लिए ना फुला। हज़रत मीर साहब ने देखें कि क्या किया है तर्जमा 19। हज़रत मीर साहब, ये मोहम्मद इसहाक़ साहब रज़ी अल्लाह अन्हु, वो
कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ों के करीब होने की, रहने की। है ही नहीं। हाँ ये आ गया। ये सारे लफ्ज़ ने तर्जमा कर दिया है। और ना फुला गाल अपने लोगों के लिए। सवाल ये है कि गाल फुलाता भी है कुछ मुंह करके? कोई मुतकब्बिर, कोई शख्स भी गाल फुलाता है लोगों के लिए? क्यों जी हाजिरी साहब, आपने कभी गाल फुलाए हैं? किसी को अपने गाल फुलाते देखा है? बंदरों को देखा है मैं गाल फुलाते हुए, लेकिन इंसान गाल नहीं फुलाता। जाहिर बात है कि इसका लफ्जी तर्जमा होना ही नहीं चाहिए। अरब इस मुहावरे को जिन मानों में इस्तेमाल करते हैं वही लफ्जी तर्जमा है। बस गालिबन जो मैंने ये तर्जमा तजवीज़ किया था, मुझे याद पड़ता है कि मैंने अरबी लोत में इसके मुख्तलिफ माने देख कर ये तर्जमा किया था। यानी एराज करना, तो सायर खद्दका का मतलब यह है कि किसी से बेपरवाही का सलूक करना, उसे छोटा देख कर और अपने अंदाज से उसकी तहखीर करना। गोया जो शख्स ये करता है वो उसकी कोई हैसियत नहीं समझता। इस चीज़ को अरब मुहावरतन यूँ कहते हैं, वला तो सायर, अगर कहना हो ना कर तो वला तो सायर खद्दका। वला तमशी फिल अर्द मराहा। और इसका एक दूसरा तबी नतीजा ये है इस तकबुर का कि ज़मीन पर इंसान यूं ही अकड़ता फिरता है। तो ज़मीन पर यूं ही अकड़ते ना फिरो। अल्लाह ताला किसी तकबुर करने वाले और फ़ख्र मुबाहात करने वाले को पसंद नहीं करता। मुख्तालिन फ़खूर, मुख्ताल फ़ख्र करने वाला और फ़खूर मुबाहात करने वाला, ये दरअसल एक ही मज़मून के इजहार के लिए दो लफ्ज़ मुख्तलिफ इस्तेमाल हो रहे हैं जो उस मज़मून को तक़वियत देते हैं। तो हर इंसान जो आदतन फ़ख्र मुबाहात करता फिरे, लोगों पर अपनी बड़ाई बयान करता फिरे, उसके मुतलिक आता है कुल मुख्ताल और फ़खूर। वक़्सिद फ़ी मशे का वग़्दुद मिन सौते का, और अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार का। वग़्दुद मिन सौते का, और अपनी आवाज़ को भी धीमा रख। इन अनकर अल अस्वात ला सौतुल हमीर, यकीनन बदतरीन आवाज़ जो बहुत बुरी लगती है वो गधे की आवाज़ है। यानी ऊंची होने के बावजूद बुरी लगती है, या ऊंची होने की वजह से बुरी लगती है, दोनों बातें इसमें शामिल हैं। मगर वक़्सिद फ़ी मशयका का जो मज़मून है, या ये किसी ऐसी हदीस से टकराता तो नहीं जिससे पता चलता है कि आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेज़ चला करते थे? और हमारी अपनी जमात की रवायात के मुताबिक हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहि सलाम भी बहुत तेज़ चला करते थे। तो जिन पर ये आयात नाजिल हो रही हैं वो ख़ुद तेज़ चलते थे, तो फिर इन आयात का मफहूम क्या है? अब बताएं, आप में तेज़ चलने वालों में एक कमर साहब हैं माशाल्लाह, अच्छा तेज़ चलते हैं। आप क्यों तेज़ चलते हैं? कई तेज़ चलने वाले दिखाई देते हैं कि कोशिश करके हाथ पांव मार के जोर लगाकर टेढ़े मेढ़े होकर तेज़ चलते हैं, लेकिन बाज़ों की तेज़ी पानी की ऐसी रवानी की तरह होती है जो बाज़ दफ़ा दिखाई भी नहीं देता कि चल रहा है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेज़ी में मस्नूई कोशिश शामिल नहीं थी, ना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तेज़ी में कोई मस्नूई कोशिश थी जो दिखाई देती हो। और जब मस्नूई कोशिश हो
तो वहां दूसरों पर फख्र का मज़मून पैदा होता है। जब कोशिश मसूई ना हो और आदतन हो तो उसमें दूसरे पर फख्र का कोई जहन में इशारा तक नहीं पाया जाता। पर इसलिए यह कुरानी मज़मून आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से किसी लिहाज से भी मुनाक़िज या मुखालिफ नहीं है। और गधे की आवाज़ बहुत ऊंची होती है, ये क्या बात है? ऊंची तो होती है, सबसे बदतरीन आवाज़ है, ठीक है ये बात। गधे की आवाज़ से बहुत दूर हो तो इतनी बुरी नहीं लगती, बहुत दूर से बाजार शाम को गधों की आवाज़ें आती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए कि दूरी की वजह से उनमें धीमापन आ जाता है। लेकिन अगर गधे को करीब से देखें भी और सुने भी तो इतनी खौफनाक आवाज़ है ढींचू की, ऊपर नीचे होते हुए एकदम शोर डाल देती है कि सब जिम्मेदार इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि गधे की आवाज़ से मनहूस आवाज़ कोई नहीं, बहुत खौफनाक आवाज़ निकलती है। ताल्लुक है इसका, जाहिर बात है। लेकिन सवाल यह है कि उसकी आवाज़ की गैर मामूली तेज़ी है जो म्याना रवि के मुखालिफ और अपनी ज़ाती दिलकशी के मुखालिफ है। हर आवाज़ में एक हुस्न होना चाहिए। जंगल की आवाज़ें या किसी किस्म की जानवरों की आप सुने, रात के जानवर होंगे दिन के, उनमें एक ज़ाती हुस्न पाया जाता है। लेकिन गधे की आवाज़ अगर अचानक किसी झाड़ी में से आए तो आप बिदक जाएंगे गधे की तरह, और उससे दूर होने की कोशिश करेंगे। वो ऐसी खबीस आवाज़ है कि इससे बेहतर नक्शा कुरान जो खींचा कहीं और नहीं खींचा जा सकता। इन अनकर अस्वात सौत अमीर, अलम थर अन अल्लाह सखरा लकुम माफ़ी समावात व माफ़ी अल-अर्ध, क्या तुमने देखा नहीं ये अलम तू अम तरो उन्होंने हैं, ठीक है, तरो में तुम नहीं बल्कि गायब का सीगा है, ये कह रहे हैं तुमने देखा, ठीक है ना, तो इन्होंने तो मुझे किसी और तरफ भी पहुंचा दिया था। अलम तरो तरा नहीं, क्या तुमने नहीं देखा, अन्नल्लाह सख़रा लकुम माफ़ी समावात व माफ़ी अल-अर्ध, कि जमीन के अल्लाह ताला ने मुसख़र फरमा दिया है जो कुछ भी आसमानों में है और ज़मीन में है। वह अस्बगा अलैकुम नियमहू ज़ाहिरतन व बातिना, और उसने अपनी नेमतें तुम पर ज़ाहरी तौर पर भी पूरी फरमा दी हैं और बातनी तौर पर भी। ये आयत मुखातब है सबसे पहले तो उस ज़माने के लोगों को, तो इससे क्या समझ आती है आपको जो इस ज़माने के लोग हैं? क्यों जी, नहीं उनको मुखातब करके उनसे पूछा है ना, अलम तराओ, वो लोग जो इसके आयत के अवलीन मुखातब थे उनको क्या पता था कि आसमानों और ज़मीन में क्या कुछ छुपा हुआ है जो अस्पखा के मज़मून के ताबे है। उसने इन सब चीज़ों को तुम्हारे फ़ायदे में बनाया है। अस्बगा अलैकुम नियमहू ज़ाहिर फरमा दी हैं, मुकम्मल कर दी हैं। क्योंकि इस अस्बगा का लफ्ज़ी तर्जमा क्या बनता है,
कृष्ण की लाश से। मोमन साहब अब दोनों माहरीन ऋषि बैठे हुए हैं सामने, बैठे हैं, बोले। सिबाग अल वुदू हदीस में आता है कि अच्छी तरह करना। सिबाग में चमड़े को ठीक करना भी शामिल होता है ना कि नहीं? सात के सात वो स्वाद से अच्छा, सीन से सेवा कर क्या मतलब? इन्हीं मानों में मुझे ये समझ आ रही है असबगा ने अलैकुम नियामहु, उसने अपनी नेमतों को कामिल कर दिया है या अपने उरूज तक पहुंचाया है, ये एक माना है जिसमें से एक हिस्सा उस ज़माने के लोगों को भी समझ आ सकता था, क्योंकि नेमतों में सबसे आला नेमत नबूवत की नेमत है और जिन लोगों पर कुरान नाजिल हो रहा था वो इस हिस्से को तो बहरहाल समझते थे कि खुदा ताला ने अपनी नेमतों को यानी नबूवत की तमाम किस्मों को बिलाखिर अपने दर्जा उरूज तक पहुँचा दिया और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस नेमत को मुकम्मल कर दिया। ज़ाहिरतन व बातिना इसको भी वो समझते थे और ईमान लाते थे कि शरीयत के तमाम अहकामात खा ज़ाहरी तौर पर अमल किया जाए या बातनी तौर पर ये उम्मीद लगाई जाए कि उनके उनमें से बेहतर नतीजे ज़ाहिर होंगे, यानी ज़ाहिरन चाहे कराहत भी हो लेकिन बिल आखिर उनके अंदर मख्फी फवायद ऐसे दिखाई देंगे कि वो नेमत ही की किस्में हैं जो शरीयत पर अमल करने के नतीजे में के शरीयत पर अमल करने से नतीजतन ज़ाहिर होती हैं। ये हिस्सा उन पर मख्फी नहीं था यानी मुसलमानों पर, लेकिन एक और हिस्सा है जब मुखातब सब बनी नौ इंसान को समझें और वो मादी हिस्सा है, ये मादी हिस्सा भी बैन ही साबित हो सकता है कि दुरुस्त है अगर साइंसी इलम तरक्की करे और इंसान देखे कि तमाम कायनात में जो कुछ भी पैदा किया गया है इसको बनी नौ इंसान की खातिर मुसख़र किया गया है और हर चीज़ अपने अंदर कोई ना कोई फ़ायदा रखती है। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لیکن لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، ان کو نہ روحانی علم نہ دینی علم نہ دنیاوی علم، وَلَا هُدًى اور نہ کوئی ہدایت ایسی نصیب ہوتی ہے جو پہلی کتابوں یا انبیاء کی صورت میں ان کی طرف بھیجی گئی ہے، वला किताब मुनीर ना वो हदायत जो नबियों की सूरत में या तालीमात की सूरत में भेजी गई हो और ना कोई ठोस रोशन किताब उनके हाथ में होती है। तो यहाँ ये झगड़ा करने वाले गालबन मुश्रिकीन हैं जिन पर ये आयत पूरी तरह इतलाक पाती है। वैज़ा क़ील लहुम तबेउ मा अंज़लल्लाहु, ऐसे वो लोग ये वो लोग हैं कि जब उन्हें कहा जाता है इत्तबेउ मा अंज़लल्लाहु, उस चीज़ की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारी है, कालू बल नत्तबेउ मा वजदना अलैहि आबाना, वो कहते हैं बल्कि हम तो उसी की पैरवी करते हैं और करते रहेंगे जिस पर हमने अपने माँ बाप को पाया, यानी वो रस्में और वो रिवाज जिन पर कोई कौम चली आ रही हो मुद्दत से, कतल इसके कि फिल हकीकत वो किसी किताब पर मबनी तालीमात हैं, कतल नज़र इसके कि वो हदायत का मूजिब हैं और गुमराही का मूजिब हैं। ये लोग महज इसलिए पैरवी करते हैं कि उनके आबा और अजदाद ने यही तरीक़े अख्तियार किए थे। ये कोई माजी का वाक़िया नहीं है, ये माजी का वाक़िया होने के अलावा एक तभी इंसानी रुझान है जो तमाम दुनिया में आजकल भी पाया जाता है। जितने हमारे मुबल्लिगीन
دائیین اللہ پاکستان میں تبلیغ میں مصروف ہیں, ان کو اگر شریروں کی مخالفت نہ بھی ملے تو اس مصیبت کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. بیچاروں کے پاس لوگ بظاہر سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کریں گے ہم وہی جو ہمارے ماں باپ کرتے چلے آ رہے ہیں, مانیں گے وہی جو ہمارے ماں باپ مانتے چلے آ رہے ہیں. یہ وجہ جو ہے اس کے پیچھے دراصل دنیا کا خوف کار فرما ہوا کرتا ہے اور لوگوں میں طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی سوسائٹی سے اسے غلط جانتے ہوئے بھی الگ ہو کر ان سے نکل کر ایک علیحدہ صورت اختیار کر لیں, ایک علیحدہ وجود اختیار کر لیں. کیونکہ جب بھی یہ لوگ کوئی ایمان لاتا ہے ایسی سوسائٹی میں سے, ہاں یہاں انگلستان میں بھی ہو, بظاہر یہ لوگ بہت ہی فراخ دل ہیں مگر عملاً ایسے ایمان لانے والے کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں. اور یہ تمام انگریزوں نے جو ایم جی ہوئے ہیں اخلاص کے ساتھ, انہوں نے بلا استثنا بیان کیا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے ان لوگوں کو, بظاہر یہ کھلے دل کے ہیں, ہر چیز میں فراخی سے کام لیں گے, آپ دہریہ ہو جائیں, آپ گندی سے گندی باتیں اختیار کر لیں, آپ ڈرگ ایڈکٹ ہو جائیں, آپ کو نکال کے باہر نہیں ماریں گے, آپ سوسائٹی کا حصہ رہیں گے. جو ہی اللہ کو مان لیا اور اللہ کے احکامات کو مان لیا, نکال کے باہر پھینک دیں گے. بس یہ وجہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اپنے آبا اجداد کو ہمیں نہیں چھوڑنا, چھوڑے تو مارے گئے. بس یہ شرک کی ایک بڑی بھیانک قسم ہے جس میں لوگوں کا خوف خدا کے خوف پر غالب آ جاتا ہے. اس کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا ہے, اولو کان شیطان و یدوہم الی عذاب السعیر, کیا باوجود اس کے وہ اسی راہ پر گامزن رہیں گے جو ان کے ماں باپ کی راہ ہے, کہ ان کو علم بھی ہو چکا ہو کہ شیطان ان کو عذاب جہنم بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جا رہا ہے. یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ اس دنیا میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بالبداہت ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ ایسے لوگوں کے طرز عمل کے نتیجے میں ساری سوسائٹی دکھوں دردوں سے بھر جاتی ہے, اور عملاً بھی ایسی سوسائٹی کو آخر عذاب سعیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی آگیں بھڑکتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, طرح طرح کے خوفناک فتنے پیدا ہوتے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو ہماری آبائی رسم و راہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا, اور وہ ہدایت سے خالی ہوتی. اس کے مقابل پر فرمایا مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, جو بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے خالص کر کے اس کے تابع کر لے. یسلم وجہہ میں وجہ سے مراد اپنی توجہات, اپنا چہرہ اور اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد, یہ سب وجہ کے اندر داخل ہے. اگر کوئی اللہ کے لیے اپنا سب کچھ سپرد کر دے, جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ خدا کے سپرد کر دے, وہ ہوا محسن, اور وہ محسن ہو. تو یہاں محسن سے مراد اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے جو حدیث میں بیان ہے, کہ ایک ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ نماز کی حالت میں ہو تو کوئی غلطی نہیں کر سکتا, اور اگر یہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو سوچے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. خدا کو اس کے دیکھنے میں کچھ وقفے بھی پڑ جایا کرتے ہیں, اور جب بھی انسان گناہ میں ملوث ہو کچھ دیر کے لیے کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. لیکن جس جو یہ سمجھ رہا ہو, میں جانتا ہوں کہ خدا مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, ایک لمحہ کا توقع بھی نہیں آتا, اصلی محسن وہ ہے. اس کے اعمال بد ہو ہی نہیں سکتے, لیکن ایسے محسن
बहुत कम मिलते हैं, और अगर ऐसे मोहसिन सारे हो जाएं तो दुनिया से बदी का वजूद कुल्लियतन मिट जाए। बस अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, वमन युस्लिम वजहु इलल्लाहि वहुवा मोहसिनुन, अगर वो मोहसिन हो इन मानों में कि जानता हूँ कि हर वक्त खुदा की मुझ पर नज़र है, ये वो लोग होते हैं फ़क़द इस्तमसक बिल्उरवतिल वुस्का, जिनका हाथ एक ऐसे कड़े पर पड़ जाता है कि उसके टूटने का सवाल ही नहीं रहता। वरना बहुत से नेक लोग भी बाज़ मसाइब में आकर उस कड़े से हाथ अलग कर देते हैं, क्योंकि हर वक्त नहीं उनको पता कि खुदा देख रहा है। तो उर्वतुल नुस्खा का मज़मून जो कुरान करीम में दूसरी जगह बयान हुआ है, इस आयत के साथ समझ कर मिला कर पढ़ें तो फिर उसकी हकीकत सामने आ जाती है। उनका हाथ एक उर्वतुल नुस्खा पर पड़ता है ऐसी हालत में कि वो मोहसिन होते हैं, यानी हर वक्त उनको पता है कि खुदा हमें देख रहा है। और अगर ये हर वक्त एहसास ना भी रहे तो आजमाइश के वक्त वो खुदा को अपने सामने खड़ा ज़रूर देख लेते हैं, इसलिए उनका हाथ इस मजबूत कड़े से अलग नहीं हो सकता, जिस कड़े के मुकद्दर में टूटना है ही नहीं, इस हाथ के मुकद्दर में उस कड़े से अलग होना है ही नहीं। वह इल्लल्लाह आक़िबतुल उमूर, और अंजाम कार खुदा ही की तरफ सब उमूर लौटते हैं। अंजाम कार सब उमूर खुदा ही की तरफ लौटते हैं, इस आयत में क्या माना दे रहे हैं? जनाब आदेरी साहब, आपके ख्याल में क्या माना दे रहे हैं? वो उर्वा उसका जो है वो खुदा ताला के साथ है उसका ताल्लुक, ठीक है, इंसान जब उसको पकड़ता है तो खुदा से मुंसलिक हो जाता है। फिर अल्लाह है आखिबतुल उमूर से मुराद ये है कि इस बात का फैसला कि किसी ने वाक़ियतन उर्वतुल वुस्का पे हाथ डाल रखा है, ज़िंदगी में कोई इंसान नहीं कर सकता, आखिबतुल उमूर से पता चलेगा। अगर उसकी वफा कामिल है और आखिरी सांस तक कायम रही तो उसके मुतल्लिक ये कहा जा सकता है कि उसने उर्वतुल वुस्का पे एहसान के साथ हाथ डाल रखा था। लेकिन कई ऐसे हैं जो बिलाखिर उसको छोड़ देते हैं और उर्वतुल वुस्का से अलग हो जाते हैं, बज़ाहिर ये नज़र दिखाई देता है, मगर ये इस मामले का अंजाम साबित करेगा, और महज अंजाम साबित करेगा कि वाकईतन किसी ने उर्वतुल वुस्का पे हाथ डाल रखा था या नहीं। वमन कफरा फला यहजून का कुफ्र हो, और अगर कोई कुफ्र इख्तियार करे तो तुझे उसका कुफ्र गमगीन न करे। इलैना मर्जिउहुम फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, यकीनन मर्जिउहुम उनका लौट कराना हमारी तरफ है। मर्जिउहुम इलैना की बजाय इलैना मर्जिउहुम का मतलब है, उसमें एक ज़ोरदार मज़मून आ गया है, हमारी ही तरफ वो लौट कर आएंगे। फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, बस हम उन्हें मुत्तले करेंगे, इस उसकी खबर देंगे जो वो किया करते थे। इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, इसलिए कि अल्लाह सीने के राजों को जानता है। आखिबतुल उमूर से इसका मज़मून यहाँ पहुँच कर मिल जाता है बिज़ाति सुदूर के साथ। इसलिए आखिबतुल उमूर फैसला कौन होंगे, और अपने तौर पर जल्दी से इंसान नहीं कह सकता कि फलां बड़ा मुत्तकी और बुजुर्ग है, कि अगर किसी का अंजाम ठीक हो तो फिर हमें भी दिखाई दे सकता है, वरना अल्लाह जो सीनों के राजों से वाकिफ है वही फैसला कर सकता है कि किसका हाथ उर्वतुल वुस्का पे है और किसका नहीं। अब ये जो सूरत हाल है, वमन कफरा फला यहजून का कुफ्र हो, बस जो कुफ्र करे उसका कुफ्र तुझे गमगीन ना करे, ये जो मज़मून है इसके बज़ाहिर खिलाफ कोई और मज़मून भी कुरान करीम में मिलता है?
बड़ा आसार है, इल्लम यकून मोमिनीन, लेकिन ये मज़मून इर्तदाद से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। उर्वे वुस्खा पे हाथ डाल के उसको छोड़ देने से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, और इन लोगों के लिए तभी तौर पर दिल में तासुब पैदा होता है। बस अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लम को मुतरब्बे फरमा रहा है कि तू चूंकि बहुत गम करता है हदायत से हटने वालों के लिए, फला यहजून का कुफ्र हो, ऐसे शख्स का कुफ्र तुझे गमगीन न करे। लेकिन समझना चाहिए कि ये हुक्म नहीं है, ये एक हमदर्दी का इजहार है। जब आप किसी गमजदा को कहते हैं गम ना करो, तो उसमें हुक्म का कोई उनसर भी शामिल नहीं होता, कोई तहक्कुम नहीं होता, जानते हैं कि वो करेगा, लेकिन आपकी हमदर्दी का इजहार और एक ख्वाहिश का इजहार है कि काश तुम इतना गमगीन ना हो। इलैना मर्जिउहुम फनुनब्बिउहुम बिमा अमलू, हमारी तरफ ही उनको लौट कर आना है, हम ही उनको बतलाएंगे कि उनकी ज़िंदगी के अमाल क्या हकीकत रखते थे, इसलिए कि इन्नल्लाहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, कि अल्लाह दिलों के राज को जानने वाला है। नुमत्तिउहुम क़लीलन थुम्मा नस्तर्रुहु इला अज़ाबिन ग़लीज़, हम थोड़ी देर के लिए उनको मोहलत देंगे, उर्वे उसका को छोड़कर चले जाने वाले लोग भी आपको दिखाई देंगे, और बईद नहीं कि इस दुनिया में उनको कुछ देर मुतमत होने की तौफीक मिले, इन दुनिया के फ़ायदे उठाने और आर्जी फ़ायदे उठाने की तौफीक मिले। थुम्मन नस्तर्रुहु इला अज़ाबिन ग़लीज़, थुम्मन नस्तर्रुहुम ही है, मैंने क्या कहा है, अटक गया है लफ्ज़ यहाँ कहीं, बड़ा हुमी था मैंने इरादतन, बाज़ मुँह खुश्क हो ना तो आखिरी लफ्ज़ जिन पर जज्म हो वो सुनाई नहीं देते बाज़, ये तो मुझे पता है, मैंने इरादतन नत्तर्रुहुम पढ़ा था, ठीक है, मगर उस तरह हम नहीं पढ़ा जिस तरह ये टर्किश गाने वालियाँ पढ़ती हैं। थुम्मा नत्तर्रुहुम इला अज़ाबिन ग़लीज़, फिर हम उन्हें अज़ाब गलीज़ की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे। इस अज़ाब गलीज़ का ताल्लुक इस दुनिया से है या आखरत से है, सिर्फ इतनी बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसका ताल्लुक दोनों से है। बाज़ ऐसे मुर्तदीन हैं जिनका बद अंजाम आप अपनी आँखों से देख लेते हैं, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाते हुए कुरान करीम ने इस मज़मून को दूसरी जगह खूब खोल दिया है कि बाज़ों का बद अंजाम हम तुझे दिखा देंगे यहाँ, लेकिन बाज़ ऐसे ही बदबख्त होंगे जिनके मुकद्दर में ज़्यादा सख्त उससे भी ज़्यादा सख्त अज़ाब है, इसलिए उनको अपना सख्त बुरा अंजाम आखरत में दिखाया जाएगा। एक ये माने भी हो सकते हैं, एक ये भी हो सकते हैं कि वो ज़्यादा बदबخت हैं जिनको दुनिया में भी सज़ा दी जा रही है और आखिर में भी सज़ा दी जा रही है। उनकी दुनिया की सज़ा इस वजह से बाज़ दफ़ा मोमिनों को दिखाई जाती है कि यही वो लोग हैं जो अपने गालें फुलाते फिरते थे और तहकीर करते थे ईमान लाने वालों को, और ऐसे लोगों के मुतालिक बसा औक़ात दिलों से ये आवाज़ उठती है खुद बोल, या खुदा इनकी ज़िल्लत हमें दिखा दे। बस अगर सारी सोसाइटी की ना भी दिखाई जाए तो उनमें से चीदा चीदा लोग उनके जो रहनुमा हैं उनकी तजलील दिखा दी जाती है, तो इस पहलू से ये अशत्तर मुखालिफीन हैं जिनको दुनिया में भी अज़ाब दिया जाएगा और वो भी शदीद होगा, और आखिरत में भी अज़ाब दिया जाएगा और वो भी शदीद होगा। इस शदीद के लफ्ज़ को गलीज से अदा किया गया, शदीद के माने को लफ्ज़ गलीज से अदा किया गया है। क्यों गलीज क्यों कहा गया है,
आप ये भी कह सकते हैं ये लोग नहायत गलीज बातें करते थे, लेकिन कुरान करीम में गलीज का लफ्ज़ उन मानों में इस्तेमाल नहीं होता। वरना एक पंजाबी और उर्दू जबान कह सकता है कि जैसे गलीज लोग ये थे गंदी बातें करने वाले, वैसे ही अजाब है, लेकिन गलीज का लफ्ज़ कुरान करीम में इन मानों में नहीं इस्तेमाल होता। क्या माने हैं? गलीज ऐसी चीज़ है जो आपस में जुड़ी हुई हो और तंग और गाढ़ी हो जाए, जिसमें से निकलने की कोई राह ना हो। बस ऐसा अजाब होगा जिससे निकल भाग नहीं सकेंगे, कोशिश करेंगे भी तो उसकी गिलाजत अजाब की इनको आर पार नहीं जाने देगी, ऐसे घेरे में पड़ेंगे कि उसमें से निकल नहीं सकेंगे। वलैन सालतहुम मन खलक समावात वल अर्ध लयकूलुल्लाह, अगर तू इनसे पूछे मन खलक समावात वल अर्ध कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया है, लयकूलुल्लाह वो ज़रूर ये कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया है। अब बताएं मुश्रिक तो नहीं कहा करता, ये कहता है ये आयत जो इससे पहले मज़मून बयान हो रहा है उसकी तरफ इशारा करती है, जो हर कस व नाकस पर आम है मज़मून। मोमिनों का भी ज़िक्र हुआ है, मुखालिफीन मुशरिकीन का भी ज़िक्र हुआ है, अहले किताब का भी ज़िक्र हुआ है, और उन अहल किताब का भी ज़िक्र है इस आयत में जो अल्लाह को खाले के अव्वल तस्लीम करते हैं लेकिन रास्ते से भटक गए और उसकी तख्लीक में शिर्क शामिल कर लिया। लेकिन अगर खुला खुला उनसे पूछें ये बताओ पैदा किसने किया था, तो वो ज़रूर तस्लीम करेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया है। वलाइन सालता हूँ मन खलक समावात वल अर्ध, अगर तू उनसे पूछे कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कुल अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून, तो कह दे अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर उनमें से नहीं जानते। ये क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह उन मानों में तो नहीं है जो हम हर अच्छी बात पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया, इस बात का शुक्र नहीं है कि उन्होंने कह दिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह में और मज़मून है, और इस मज़मून का ताल्लुक ला यालमून से भी है। मज़मून ये है कि वो सरसरी तौर पर ये तो ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने पैदा फरमाया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सारी कायनात उसकी हमद के गीत गा रही है। अगर अल्लाह ने पैदा फरमाया है तो कायनात खुद हम अल्लाह की हमद के गीत गा रही है, और तमाम खूबियों से अल्लाह ताला को मुरस्सा करार दे रही है, इन तमाम खूबियों का हामिल करार देती है। ये बात वो जानते नहीं, अगर वो जानते तो कुछ बातें तो काबिल हमद इख्तियार करते, लेकिन अकीदा है ऐसा है जो उनके आमाल के ख़िलाफ़ है। खुदा की तरफ ये कहकर कुल्लियतन हमद मंसूब कर दी है कि सारी कायनात ज़मीन आसमान को उसने पैदा किया है। अगर गौर करते ज़मीन व आसमान पर जो वो इल्म नहीं रखते, तो उस गौर के नतीजे में और इल्म के नतीजे में हम्द का मज़मून ज़रूर उभरना था, और हम्द ही का मज़मून है जिससे लाइलम है ये और जाहिल हैं। लिल्लाह मा फिस समावात वल अर्ध इन्नल्लाह वल गनीउल हमीद, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह के बाद खलक समावात वल अर्ध के बाद फिर लिल्लाह मा फिस समावात वल अर्ध को क्यों दोहराया गया है?
क्यों जी? इसमें तीन मुख्तलिफ ज़माने दरअसल बयान हो गए हैं, एक तख्लीक का ज़माना, एक कायनात जब भी उस पर गौर करोगे हम के गीत गाएगी, और एक अंजामकार, ये कायनात हमेशा खुदा ही की रहेगी और ऐसा खालिक नहीं है जो इसको छोड़कर कहीं रवाना हो जाए या इससे गाफिल हो जाए। आखिर वक्त तक ये खुदा ही की रहेगी, यानी हम्द का मज़मून इसके साथ वाबस्ता रहेगा। और ये जो मज़मून है ये साइंसदानों ने अब गौर करके इसकी हकीकत को कुछ कुछ समझा है कि हम्द का मज़मून कायनात से अलग किया जा ही नहीं सकता। जितना ज़्यादा गौर करोगे इसमें और हम्द के मूजिबात दिखाई देंगे, इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है खलक भी उसने की, उस कायनात ने जो पैदा की वो तुम्हारे सामने है, ये हम्द ही के गीत गा रही है और हमेशा अल्लाह ही की रहेगी, किसी और के हम्द के गीत नहीं गाएगी। इस मज़मून की तफसील अब अगली आयत में है। देखें किस तरह एक मुरत्तब कलाम है, एक मज़मून को लेकर आगे बढ़ा रहा है मुसलसल। وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ क्या समझे हैं इससे आप? एक तो ज़ाहरी माना है, अगर ज़मीन में जितने भी दरख्त थे सब कलम बन जाते, वलबहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबरिन, और समंदर उनके लिए स्याही का काम देते, मिम्बादही सबत व अबहरिम, और इन समंदरों के अलावा के बाद सात समंदर और भी इन कलमों की मदद करते कि वो अल्लाह के कलेमात को लिखें, यानी कलेमात से मुराद खुदा के निशानात हैं, उसकी तख्लीकी निशानात हैं। तो जिस मज़मून को ऊपर बयान फरमाया गया है कि इल्म में रखते, उसमें उसको खुलासा आखिर पर, उसका नतीजा आखिर पर यह करार दिया गया है कि वो इल्म नहीं रखते तो एक पहलू से माजूर भी हैं, क्योंकि उसका इल्म रखना किसी फ़र्द बशर का काम ही नहीं, उसकी ताकत से ही बाला है, मगर वो बदनसीब इतना भी इल्म नहीं रखते, ये थोड़ा सा इल्म हासिल करें और हम्द का मज़मून के दिमाग में जाग जाए। इसलिए ये लफ्ज़ इतना भी इल्म नहीं रखते अगली आयत पढ़ने के बाद जहन में उभरता है खुद बहुत पहले मज़मून के साथ। लेकिन यहाँ एक बात सोचने के लायक है, अन्ना माफिल अर्द मिन शजरत नकलाम, शजर जो कलमे बनेंगे उनके दोहराने का या उनके बढ़ाने का जिक्र कहीं नहीं है, मगर समंदर जो स्याही बनेंगे और अशजार से बहुत ज़्यादा हैं उनके बढ़ाने का जिक्र है। ठीक है, वजह सही खुश्क होती है, खुश्क ना भी हो समंदर तो खुश्क नहीं होंगे। कलम जिस स्याही से लिखता है वो एक कलम ही इतनी ज़्यादा समाई स्याही उम्र भर में इस्तेमाल कर सकता है कि वो एक ही कलम हमेशा रहे और स्याहियों की दवातों की दवातें खाली होती चली जाएं। सारी उम्र इंसान इस्तेमाल करे तो वो स्याही पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर सारे शजर कलम बन जाए तो वो इतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए कि लिखते लिखते वो सात समंदरों को भी खुश कर दें तो कलम बाकी रहेंगे, लिखने वाले बाकी रहेंगे, और लिखने वाला मज़मून अगर ख़त्म भी होता दिखाई दे तो और बढ़ता चला जाएगा, और फिर भी
कलेमात ख़त्म नहीं होंगे। जैसे गालिब ने कहा है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। वो क्या है, मदह तमाम हुई ना, और मदह बाकी है। क्या है, कलम तम, हरफ तमाम हुए या जो कुछ भी है वो तमाम हुआ। अब मुझे याद ना कराएं लोग लिख लिख के, मेरे पर गालिब पड़ा हुआ लिख लूँगा। और मदह बाकी है, यानी हमने जो समंदर में कश्ती डाल दी वो चलती चलती पहुंच गई कहीं, और मदह अभी बाकी थी। या यूँ कहना चाहिए, हमने कलम से जो कुछ मदह बयान किया, जुबान से सब कुछ बयान करके हम जब थक गए तो मदह अभी बाकी पड़ी थी। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, ये मज़मून है। इस समंदर ना पैदा किनार, ऐसा समंदर जिसका किनारा ही कोई नहीं, उसमें मदह करते हुए जाने के लिए एक ऐसी कश्ती चाहिए जो हमेशा ऐसे किनारों की तरफ मुतहरक रहे जो हैं ही नहीं, यानी हमेशा की का सफर है। ये जो नक्शा है ना इस आयत में सात समुद्रों वाला, ये भी एक हमेशा की का सफर है। उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट, एक दलील के एतबार से एक इस्तदलाल है जो हकीकतन जाहिर नहीं हो सकता, लेकिन चूँकि खुदा इस हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट को बयान फरमा रहा है, इसलिए इसमें हाइपोथेसिस की वो कमज़ोरी नहीं है जो इंसानों के हाइपोथेसिस में कमज़ोरी होती है। और जब खुदा कहता है मा नफिज़त कलिमातुल्लाह, तो बता रहा है कि वाक़ियतन अल्लाह के कलिमात ख़त्म नहीं हो सकते। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, यकीनन वो बहुत बुजुर्गी वाला साहिब इल्म है और हिकमत वाला है। अब इस आखिरी आयत ने जो इस मजमून के बाद दायर हुई है, खुदा तआला के हम्द वाले तख्लीकी मजमून पर मुकम्मल रोशनी डाल दी है। अब सवाल ये है कि इस खल को जो हम देख रहे हैं, इसमें तो खुदा तआला की सन्नाई के लामुतनाही मज़ामीन हमें दिखाई देते हैं, मगर क्या इसी खल्क पर बस है? ये तभी सवाल उठना चाहिए, और यही सवाल है जो उठाया गया है। वमा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला का नफ्स वाहिदा इन्नल्लाह समीउ बसीर, तुम्हारी तख्लीक वला बासुकुम और तुम्हारा दोबारा उठाया जाना, ये दोनों बातें एक नफ्स वाहिदा की तरह हैं। यहाँ नफ्स वाहिदा किन मानों में इस्तेमाल हो सकता है, और अव्वल तौर पर किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, और सानवी तौर पर किन मानों में, और कलिमात के लाम महदूद होने की वजह से अगर और डूब के देखें तो फिर किन मानों में आपको ये नफ्स वाहिदा की समझ आएगी, बताएं। फिरोज़ बंगाली साहब कुछ हरकत में आए हैं माशाल्लाह। सिर्फ हरकत ही में आए हैं या कुछ कहना भी है? सिंगल सेल हैं, सिंगल सेल, सिंगल से सिंगल, क्या सिंगल सेल, सिंगल सेल, उसका इससे क्या ताल्लुक हुआ? एक वो पहला मज़मून जो है इतना अजीम शान, उसके साथ क्या ताल्लुक है इसका सिंगल सेल का? तख्लीक बहुत आसान है उसके लिए, एक सेल पैदा करना है। वही सेल ही जो है जिसे साइंसदानों को मुसीबत डाली हुई है, जिसको आप तख्लीक आसान कह रहे हैं, उसको साइंसदान सबसे मुश्किल काम बता रहे हैं। कहते हैं बाकी एडवांस चीज़ें समझ आ भी जाएं, तो ये सिंगल सेल है ये नहीं समझ आ सकता। सारे अचंभे और सारे उजूबे इस सिंगल सेल में भर दिए गए हैं। इसलिए ये मज़मून नफ्स वाहिदा का एक मज़मून है
जो अपने अंदर उलूम के समंदर रखता है, और अगर कलम लिखना शुरू करें समंदर, तो उस बुनियादी सेल की तारीफ भी पूरी नहीं कर सकते जो अपने अंदर लामुतनाही उलूम लिए हुए है। इसी में मुतलिक एक साइंसदान ने, कई साइंसदानों ने अंदाजे पेश किए हैं कि अगर ये पहला ज़िंदगी का सेल इत्तेफाकन पैदा होना हो तो उसके लिए इतना ज़माना दरकार है, अगर इत्तेफाकन हो सकता हो तो सारे इत्तेफाकात के जमा होने के लिए इतना ज़माना दरकार है कि कोई इंसानी अदद उस ज़माने को बयान नहीं कर सकता। और साइंसदानों ने जो आदाद बयान किए हैं वो माइंड बॉगलिंग है, इंसानी जहन को चक्कर डाल देते हैं, ऐसा कि खुद वो साइंसदान जो एक मज़मून पेश करते हैं वो कहते हैं हम नहीं समझ सकते इतना लंबा ज़माना हो कैसे सकता है। वो ऐसा ज़माना है जो इटर्निटी यानी अजल से करीब तर का ज़माना है, उस अदद को इटर्निटी करार दिया जा सकता है, इतना लंबा ज़माना है। तो उस इटर्निटी ने मज़मून ये बयान किया कि सारे समंदर खुश्क हो जाएं और सारे कलम घिस जाएं, तो उस बुनियादी नफ्स वाहिदा के अंदर जो मज़ामीन शामिल हैं उनको भी बयान नहीं कर सकते, समझ गए। इसलिए सिंगल सेल की तरफ इशारा इन मानों में है। लेकिन एक और मज़मून भी जो अव्वल तौर पर इसमें पेश नज़र है वो पूछ रहा हूँ मैं, क्या है। बताइए, मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला का नफ्स वाहिदा, एक नफ्स वाहिदा का माना इश्तराक के है, इश्तराक का है, और कामिल इश्तराक, कामिल मुमासलत का। तो पहला माना ये जहन ये इस आयत से निकलता है कि तुम जो इस खल्क को जो तुम्हारे सामने है और अपनी नफ्स वाहिदा की तखल्क को भी बयान करने से आजिज हो, बावजूद इसके कि समंदर स्याही हो जाएं और कलम और दरख्त कलम बन जाएं, तो याद रखो कि बासत का मज़मून भी एक है, वो भी इसी के मुशाबे है, और इतना करीबी तौर पर मुशाबे है कि एक ही चीज़ है। अगर ये है तो वो भी है, नफ्स वाहिदा इन मानों में भी है, इन दोनों वो एक दूसरे से जुदा किया नहीं जा सकता, जैसे नफ्स वाहिदा को एक दूसरे से को जुदा नहीं किया जा सकता, नफ्स वाहिदा वाहिदा ही रहेगा। तो क़यामत के बाद की ज़िंदगी और ये दुनिया की ज़िंदगी इस तरह जुड़ी हुई हैं कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बस अगर जो उलूम तुमने दुनिया में देखे हैं और इनको पूरी तरह जानते नहीं उनके मुतलिक पहला ऐलान सच है, तो सोचो कि बाद में जो मज़मून उभरने हैं उसकी सनाई के वो मज़ामीन जो बेसत सानिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनका तसव्वुर करके देखो, वो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। इसलिए पहले तसव्वुर के मुतालिक तो कुछ इम्कानात खोल दिए, मगर दूसरे तसव्वुर के मुतालिक वाज़ह तौर पर फरमाया कि तुम सोच ही नहीं सकते कि वो क्या चीज़ें होंगी। नुनशियकुम फी माला तालम, तुम्हें ऐसी सूरत में उठाएंगे तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तुम्हें इल्म ही कोई नहीं। फिर वमा अदराका, वमा अदराकुम के मानों में इसी उखरवी मज़मून को बारहा बयान फरमाया गया है। तो दुनिया के मज़मून को उखरवी मज़मून के साथ इस तरह मुंसलिक कर देना, एक मज़मून से दूसरी तरफ इंसान मुंतकिल हो जाए, ये हैरत अंगेज़ सन्नाई है जो कुरान करीम में इस्तेमाल की गई है। ठीक है, बाकी कल इंशाल्लाह निशान डाल लें।
जो आपने एहसान के मुतल्लिक एक हदीस लिखी हुई है यहाँ, ये गालबन इसलिए है कि मैंने उस दिन जब एहसान का जिक्र किया था तो गलती से सहवन जो पहले जिक्र किया रसूल सल्लम ने उसको मैंने बाद में कर दिया, और जो बाद में किया वो पहले कर दिया, लेकिन गुज़श्ता खुतबे में इसको दुरुस्त कर लिया था मैंने, इसलिए इस दर्स में किसी मजीद दुरुस्ती की ज़रूरत नहीं। ये हुस्न इत्तेफाक है कि यह मज़मून दोबारा भी आया तो मैंने जिस तरह बयान किया वो वही है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। ठीक है, जज़ाकुल्लाह। अब इसको सेट कर लें ताकि गलती ना हो।